बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्पेशल है और ये उन लोगों के लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई होता है। तो ये एक बहुत ही आसान सी सब्ज़ी है। तो आज हम बात कर रहे हैं लौकी की। लौकी की भुजिया हम कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये सब्ज़ी हम कढ़ाई में बना रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है और हमने इसमें जैतून का तेल डाला है, क्योंकि जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी मुफीद है। तो इसमें ऐड करेंगे एक प्याज, जो हमने मीडियम साइज़ की प्याज ले रखी है और जिसे हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, हमारा तेल काफ़ी गर्म हो चुका है और हमने इसमें अब प्याज ऐड कर दी है। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। नाज़रीन, अब हमने इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरा डाला है और इसको हल्का सा हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये ज़ीरा डालने के बाद आपको इसको ब्लैक नहीं करना, तो प्याज के साथ आप डालेंगे तो वो ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। और अब हम इसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, जिसके हमने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। तो हम देखेंगे, हमने 2 साबुत मिर्च इसमें ऐड कर दी है। और नाज़रीन, इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं अब इसमें, देखिए आप देख सकते हैं ये टमाटर है, बिल्कुल छोटा सा टमाटर या फिर छोटा सा टुकड़ा में लेके इसमें छोटे छोटे से पीसेस करके डाल देना है। और बस अब हम इसमें लौकी ऐड कर देंगे, जिसे हमने छील कर इस तरीके से बारीक बारीक काटी हुई थी। और अब अच्छी तरीके से आप सब चीज़ें मिक्स कर देंगे और साथ ही हमें ऐड कर देंगे इसमें हसबे ज़ायका नमक। और नाज़रीन, इसे मिक्स करके हम इसे ढक्कन से ढक देंगे, यानी इस पर लिड से इसे ढक देंगे और इसे हम अब हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए बनाएंगे। देखिए नाज़रीन, सब्ज़ी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है और इसे हमने ढक भी दी है। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएंगे। तो नाज़रीन, 10 मिनट बाद आप खोल के देखेंगे तो कुछ इस शक्ल में आपको आपकी सब्ज़ी मिलेगी। और अब आपको इसको मैश करना है। हमने आंच इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी है इस टाइम, और आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा पानी भी होगा, कि लौकी से अक्सर। और अब आप इसको मिक्स करके और बिल्कुल इसके जो लौकी के पतले हैं, यानी लौकी के जो पीसेस हैं, उन्हें आप अपनी पसंद के मुताबिक उसे थोड़ा सा मैश कर दीजिए और थोड़ा सा खुश्क हो जाए आपकी सब्ज़ी, तो फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसे अच्छी तरीके से मैश कर देने के बाद और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा तो कुछ इस शक्ल में आपको मिलेगी सब्ज़ी। बिल्कुल परफेक्ट आपकी सब्ज़ी तैयार हुई। और बस सर्व कीजिए गर्मा गर्म अपनी सब्ज़ी। इसे आप ऑफिस वगैरह में, लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं और वेट रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी होती है। तो नाज़रीन, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्राई करके अपने फीडबैक दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते हैं एक और नई झटपट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।